You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस में टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे थे हम, और जेड पैरामीटर निकालना हमने सीखा था। अभी हम आते हैं, हमने आपको बोला था कि हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी पैरामीटर निकालना हो, अगर आपने जेड सीख लिया तो दूसरा कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो आज वो ट्रिक ही हम बताने वाले हैं कि बाकी सारे पैरामीटर कैसे निकाले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे वाई पैरामीटर की, कैसे हमें वाई पैरामीटर को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम वाई पैरामीटर समझ लेते हैं, होते क्या है। I1, I2, Y11, V1 plus Y12, V2, Y21, V1 plus Y22, V2। देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि I1 और I2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? V1 और V2 पे। इसका मतलब है कि V1 और V2 क्या है? हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। V1 एंड V2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या ध्यान रखते हैं हम? हमने जेड पैरामीटर में भी बताया था कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई सेपरेट इक्वेशन मिल जाती है किसी नेटवर्क में, तो उस नेटवर्क के वो पैरामीटर हम नहीं निकाल सकते हैं जिस पैरामीटर के ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जैसे अगर कहीं V1 और V2 में सेपरेट इक्वेशन मिल जाए, लेट V1 इज इक्वल टू 3V2, ऐसा कहीं दिख जाए, तो समझ जाना कि उस नेटवर्क के हम वाई पैरामीटर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वाई पैरामीटर में V1 V2 क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वही चीज जो हमने जेड पैरामीटर में किया था, पहले हम V1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो यहां से देखिए Y12 क्या हो जाएगा? Y12 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 upon V2, जबकि V1 इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ अब आपका Y22 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 upon V2, जबकि V1 इज इक्वल टू 0। नाम क्या होंगे इसके? जैसे कि हमने जेड पैरामीटर में नाम बताए थे, वही तरीका नाम का यहाँ है। आपको ये देखना है, देखिए वोल्टेज 0 होता है तो शॉर्ट सर्किट, करंट 0 होती है तो ओपन सर्किट। तो सबसे पहले तो यहां लिखेंगे शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज 0 है। ठीक है, नीचे से एरो हमेशा ऊपर ले जाना है, तो कहां से कहां जा रहा है? 2 से 1 मतलब आउटपुट से इनपुट की तरफ। तो वर्ड आएगा रिवर्स, करंट अपॉन वोल्टेज क्या होता है? एडमिटेंस। क्या बोलेंगे? रिवर्स एडमिटेंस। नाम देख लीजिए, फिर से समझिएगा अच्छे से। वोल्टेज 0 है तो शॉर्ट सर्किट, 2 से 1 पे जा रहे हैं तो रिवर्स, और करंट अपॉन वोल्टेज है तो क्या है? एडमिटेंस। यहां पे देखिए नाम, यहां पे भी आएगा शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज 0 है, शॉर्ट सर्किट, 2 से 2 पे ही है तो क्या होगा? केवल 2, 2 आउटपुट, दोनों आउटपुट में तो क्या बोलेंगे? आउटपुट। करंट अपॉन वोल्टेज, तो इसमें क्या बोलेंगे? एडमिटेंस। ये कई बार इस फॉर्म में पूछे जाते हैं, कई बार नाम के फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो नाम भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम कर देते हैं किसको 0? V2 को 0। V2 हमने 0 रखा तो यहां से ये 0 हो जाएगा, तो Y11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I1 upon V1, जबकि V2 0, और Y21 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 upon V1, जबकि V2 0। इसका नाम देखिए, V2 0 है तो शॉर्ट सर्किट, 1 1 1 1, तो ये इनपुट, और करंट अपॉन वोल्टेज तो एडमिटेंस। वन से टू, देखिए शॉर्ट सर्किट तो पहले हो गई क्योंकि वोल्टेज 0 है, शॉर्ट सर्किट। 1 से 2 तो ये फॉरवर्ड, और करंट अपॉन वोल्टेज क्या हो जाएगा? एडमिटेंस। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि 1 से 2 या 2 से 1, 1 2 और 2 1 में डेटा क्या होता है? एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है। तो ये जैसे 1 से 2 तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीड एडमिटेंस, और ऐसे ही वो जो हमने Y12 पढ़ाया था जिसमें 2 से 1 में हो रहा था, उसे बोलेंगे शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। तो फॉरवर्ड और रिवर्स के बाद ट्रांसफर वर्ड भी हम ऐड
कर सकते हैं। तो ये तो हो गए नाम इन पैरामीटर्स के, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई वन आई टू इज इक्वल टू वाई वन वन वाई वन टू वाई टू वन वाई टू टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विद वी वन वी टू। इस हिसाब से भी हम इक्वेशन को बाई पैरामीटर की निकाल सकते हैं। अब जो आपने मेथड पढ़ी हुई है जिसमें फॉर्मूलाज आपने पढ़े होंगे कि कैसे जेड पैरामीटर को वाई पैरामीटर में कन्वर्ट करते हैं, वो फॉर्मूलाज की ट्रिक हम अलग से बाद में बताएंगे। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए एक हमारा नेटवर्क आ जाता है, एक सबसे छोटे से नेटवर्क से हम स्टार्ट करते हैं और बाकी हमने जो जेड पैरामीटर आपको पढ़ा दिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन से आप जेड पैरामीटर निकालिए, फिर वाई कैसे निकालते हैं वो हम बता देते हैं इसी में। मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है। दिस इज आई वन आई टू वी टू एंड वी वन। देखिए यहां से आई वन, इधर से आई टू, तो इधर क्या हो जाएगी आई वन प्लस आई टू। इधर केवीएल लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस वी वन प्लस टू आई वन प्लस आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो। तो वी वन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 आई वन प्लस आई टू। इक्वेशन एक हो गई यहाँ पे। यहां से देखिएगा दूसरे में, इधर से केवीएल लगा दीजिए तो माइनस वी टू प्लस थ्री आई टू प्लस आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो। तो वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वन प्लस फोर, यहां से देख लीजिए आई वन प्लस फोर आई टू। इक्वेशन नंबर टू, आप देखिए जेड पैरामीटर आपको मिल चुके हैं। जेड पैरामीटर क्या हो जाएगा, जेड वन वन की वैल्यू 3, Z12 की वैल्यू 1, Z21 की वैल्यू 1, Z22 की वैल्यू 4। Z पैरामीटर की इक्वेशन प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताई थी। लेकिन मान लीजिए ये क्वेश्चन Z का नहीं है, आपसे पूछे गए हैं Y पैरामीटर, तो अब आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, Z पैरामीटर निकालते तो बनता है ना आप पे। तो अगर आपने Z पैरामीटर निकाल लिए हैं तो कैसे Y पैरामीटर निकालना है वो देखिए। आप रख दीजिए Z पैरामीटर जो निकले हुए हैं वो इक्वेशन को अच्छे से लिख लीजिए आप। अब आप ये देखिए कि आपको कौन से पैरामीटर निकालना है, जो पैरामीटर निकालना है उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आप यहां लिख लीजिए वाई वन वन वी वन प्लस वाई वन टू वी टू आई टू इज इक्वल टू वाई टू वन वी वन प्लस वाई टू टू वी टू। देखिए अब क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखिए पहली इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, आई वन चाहिए, वी वन चाहिए और वी टू चाहिए। क्या नहीं चाहिए, I2 नहीं चाहिए। इसका मतलब है I2 को क्या कर देंगे, इससे इलिमिनेट कर देंगे। I2 को अगर इलिमिनेट करना है तो देखिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नई इक्वेशन बनेगी 4V1 is equal to 12I1 plus 4I2 और ये वही की वही रहेगी। V2 is equal to I1 plus 4I2 और सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4v1 minus v2 is equal to 11i1। तो i1 is equal to आ जाएगा 4 upon 11v1 minus 1 upon 11v2। इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो आप बोलोगे y11 is equal to आ गया 4 upon 11, y12 is equal to आ गया minus 1 upon 11। बिल्कुल आसानी से हमने निकाल दिया। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन देखिए, आपको दूसरी इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर चाहिए। दूसरी इक्वेशन में आपको चाहिए है I2, V1 और V2। क्या नहीं चाहिए, I1 नहीं चाहिए, तो I1 को इलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई, 1 का, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई, 3 का। पहली इक्वेशन तो वही की वही रहेगी, दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3V2 is equal to 3I1 plus 12I2। सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो v1 minus 3v2 is equal to minus 11i2, i2 is equal to हो जाएगा minus 1 upon 11 plus minus 1 upon 11 v1 plus 3 upon 11 v2। कंपेयर कर लीजिए यार, आपको y21 is equal to मिल जाएगा minus 1 upon 11, y22 is equal to मिल जाएगा आपको 3 upon 11। तो अब आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, हमने Z पैरामीटर के जितने क्वेश्चन कराए हैं, बहुत टाइप के कराए हमने, डिपेंडेंट वेरिएबल के भी कराए हैं, सिंपल टाइप के क्वेश्चन भी कराए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है,
अभी हम और भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है, और फिर हमें सीधा का सीधा इक्वेशन को इलिमिनेट करके नई इक्वेशन बना दे रहे हैं। इस तरीके से आप पूरे के पूरे पैरामीटर निकाल सकते हो। अभी हमने केवल वाई पढ़ाए हैं, आगे बाकी पैरामीटर भी बताएंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल वाला और उसे सॉल्व करके देखते हैं। आप डायरेक्ट वाई सॉल्व मत कीजिए, जेड आप पे बन जाता है, जेड से वाई में कन्वर्ट कीजिए। बाकी पैरामीटर भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मान लीजिए एक हमने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन लेते हैं प्लस माइनस टू एक्स दिस इज एक्स, वन ओम टू ओम टू ओम, हियर इज आई वन हियर इज आई टू, दिस वोल्टेज इज वी। अब आपसे पूछा है कि इसके वाई पैरामीटर निकाल के बताइए। कैसे वाई पैरामीटर निकालना है, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा का सीधा आपको केवीएल अप्लाई कर दीजिए। आप एक इस लूप में कीजिए तो आपका आएगा माइनस वी वन प्लस टू आई वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वी वन इज इक्वल टू आ जाएगा टू आई वन प्लस एक्स, एक इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा आप अप्लाई कर दीजिए, इसमें कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो केवीएल केसीएल हम एक बार और डिटेल में एक वीडियो डाल देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये डायरेक्शन लो या ये डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन लो, सारे लोग सारे ईएमएफ का समेशन जो है किसी भी क्लोज लूप में जीरो होता है। तो इधर से हम ले लें तो कितना होगा माइनस वी टू प्लस टू। अब आपको इसकी करंट नहीं पता तो क्या करोगे, इसकी करंट कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। देखिए यहां से कितनी करंट आई, आई वन, चली कितनी गई एक्स, बस यही लॉजिक आपको समझना है। आई वन इधर से आई जिसमें से एक्स चली गई, तो बची कितनी रही आई वन माइनस एक्स, ये करंट बची रही। इसको हम सर्किल में बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये करंट है, आई वन माइनस एक्स करंट बची रही, तो वो कहां जाएगी आगे की तरफ। आई वन इधर से आई एक्स इधर चली गई, तो बची कितनी रही आई वन माइनस एक्स। अब इधर से देखिए कितनी आ रही आई वन माइनस एक्स, इधर से कितनी आ रही आई टू, तो टोटल क्या हो जाएगी आई वन माइनस एक्स प्लस आई टू। तो अब हम जो केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, इधर से माइनस वी टू प्लस टू इंटू आई वन माइनस एक्स प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू आई वन प्लस टू आई टू माइनस टू एक्स, इक्वेशन नंबर टू। ध्यान रखना कहीं कोई मैथमेटिकल अगर एरर आ जाए, कहीं कुछ हम टू की जगह वन रख दें या प्लस की जगह माइनस, तो वो आप लोग सुधार लीजिएगा, लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा। दो इक्वेशन हमारी बन गई हैं, अब हमें एक्स की वैल्यू निकाल के बस यहाँ रखना है, तो आपके जेड पैरामीटर तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। देखिए आप ध्यान रखना, भले ही हम ट्रिक बहुत सारी बता रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन की ट्रिक ना भी हो तो गेट में 65 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। आप अगर दो नंबर के क्वेश्चन में 3 मिनट भी दोगे ना, तो भी बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तब भी आप 65 पूरे क्वेश्चन तो करने वाले हो नहीं, तो टाइम की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। फिर भी जहां जरूरत होती है वहां हम ट्रिक दे देते हैं, किससे, जिससे कि बाकी क्वेश्चंस के लिए आप टाइम बचा सको। यहां भी ये एक प्रकार से ट्रिक ही रहेगी, बस आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है। आपको यहाँ पे देखिए किसी भी डायरेक्शन में केवीएल लगा दीजिए, यहां से देखिए ऊपर ये प्लस से माइनस, करंट एक्स जा रही तो वोल्टेज कितना होगा एक्स, तो अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पहले कौन सा साइन मिल रहा है माइनस, तो माइनस एक्स, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस। कुछ लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि करंट का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों करना है हमें, वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज तो पहले से पता है ना हमें कितना है 2x, तो करंट से कोई मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा क्या कर देना है प्लस 2x, और फिर आगे बढ़े तो इसी डायरेक्शन में जाना है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 into this, तो प्लस हो जाएगा 2 into I1 minus x plus I2 is equal to 0। अब देख लीजिए I1 वाला पार्ट, x वाला पार्ट देखिए, पहले ये हुआ 2x, ये होगा माइनस 2x, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा केवल कितना माइनस x प्लस 2i1 प्लस 2i2 is equal to 0, 2x से माइनस 2x कैंसिल, तो x is equal to आ गया 2i1 प्लस 2i2, ये होगी तीसरी इक्वेशन। अब देखिए आपको x की वैल्यू मिल गई, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में लिख दीजिए, आपके z पैरामीटर आपको मिल चुके हैं। अब हम ये नेटवर्क मिटा देते हैं। आपकी पहली जो इक्वेशन है वो है v1 is equal to 2i1 plus x, x की वैल्यू रख देते हैं हम ये, तो 2i1 2i1 कितना हो जाएगा 4i1 और प्लस 2i2,
अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ, वी टू में रख देते हैं, यहां पे रखेंगे तो देखिए कितना है, टू आई वन प्लस टू आई टू माइनस टू इन टू, एक्स की वैल्यू कितनी है, टू आई वन प्लस टू आई टू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये टू आई वन और ये माइनस फोर आई वन, तो कितना बचेगा, माइनस टू आई वन, और ये टू आई टू और ये माइनस फोर आई टू, तो कितना, माइनस टू आई टू। यहां से देखिए आपके z पैरामीटर तो आपको क्लियर दिख रहे होंगे, z114, z122, z21-2, z22 कितना हो गया, -2। लेकिन अगर हमें z की जगह निकालना है y, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, हम फिर से बोल रहे हैं आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख देना है, i1 इज इक्वल टू y11v1 प्लस y12v2, i2 इज इक्वल टू y21v1 प्लस y22v2। पहली इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, i1, v1 और v2, क्या नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए i2, तो आपको क्या करना है, इस और इस में से i2 हटाना है, तो देखिए डायरेक्ट एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो आएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 4i1 माइनस 2i1, कितना हो जाएगा 2i1। तो यहां से हम देखेंगे कि i1 इज इक्वल टू 1y2v1 प्लस 1y2v2, कंपेयर कीजिए तो आपका y11 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1y2, y12 इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 1y2 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, इस इक्वेशन में क्या चाहिए, i2 v1 और v2, क्या नहीं चाहिए, i1 नहीं चाहिए, तो i1 को आपको हटाना है, तो देखिए यहां पे 4 लिखा हुआ है, यहां -2 लिखा, तो एक तो तरीका ये होता है कि इसमें -2 का मल्टीप्लाई इसमें 4 का, या सीधा सीधा सेम वैल्यू लाना है ना, तो यहाँ 4 है यहाँ -2 है, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4, तो ऊपर वाली इक्वेशन सेम लिख देते हैं, कुल मिला के आपको इलिमिनेट करना है जो जिस भी तरीके से आप कर पाओ, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2v2 इज इक्वल टू -4i1, ये हो जाएगा -4i2, एड कर दीजिए सीधा का सीधा, तो ये कैंसिल हो गया, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू -2i2, तो i2 इज इक्वल टू हो गया -1y2 -1y2v1 और -1 × v2, कंपेयर कीजिए तो y21 इज इक्वल टू आ गया -1/2 और y22 इज इक्वल टू आ गया -1। यहाँ पे फिर से हम आपसे बोलेंगे अगर जल्दी में कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हुई या प्लस की जगह माइनस हो गया तो उसे जरूर सुधार लीजिए, मेथड पे आप फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। तो इस तरीके से आप देखिए आपने क्या सीखा यहाँ पे, आप जो परेशान होते हो ना कि जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, एच इनवर्स पैरामीटर, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन इनवर्स, 6 टाइप के पैरामीटर हैं, इतने सारे पैरामीटर पढ़ना, आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको केवल और केवल जेड पैरामीटर पढ़ना है और सीधा इक्वेशंस का इंटरप्रिटेशन करना है, एलिमिनेशन करना है, इधर से उधर, उधर से इधर, और आप पैरामीटर निकालोगे। अभी हमने वाई पैरामीटर पढ़ा दिया, यहाँ पे ध्यान देना है कि कुछ ऐसे नेटवर्क होंगे जिनके वाई पैरामीटर हम नहीं निकाल सकते, जैसे एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन लें, दिस इज v1, दिस इज v2, दिस i1, दिस i2, आपसे बोले कि इसमें वाई पैरामीटर निकालिए, तो आप देखिए देखोगे v1 इज इक्वल टू कितना है, v2, आपको दिख ही रहा है v1 इज इक्वल टू कितना है, v2 है। तो ये y पैरामीटर के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन मिल गया आपको, इसका मतलब है कि इस नेटवर्क के y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। तो कई कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें हमें जो पैरामीटर निकालना है उनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में एक सेपरेट इक्वेशन मिल जाएगी, तो समझ जाना कि वो नेटवर्क के वो वाले पैरामीटर हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने y पैरामीटर देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम और पैरामीटर देखेंगे। हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करते रहिए आप लोग, शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हर बार बोलते हैं प्लेलिस्ट से पढ़ाई कीजिए, आप रैंडम अगर पढ़ाई करेंगे, रैंडम वीडियो देखेंगे तो पुराने लॉजिक छूट जाएंगे। प्लेलिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर में वीडियोज होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ाई कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक होती है, आपको अगर टॉपिक वाइज चाहिए तो आप गेट क्रैकर्स के चैनल पे जाइए, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।